নমস্কার, আপনারা দেখছেন গ্লোব নিউজ ঝাড়খণ্ড। সঙ্গে রয়েছে আমি প্রজ্ঞা, নজর রাখছি আজকের খবরে। সরাইকেলা জেলার গামারিয়া ব্লকের সামুদায়িক স্বাস্থ্য কেন্দ্র পরিসর এবং ভবনগুলি রং করা হচ্ছে। এই বছর ঝাড়খণ্ড সরকার স্বাস্থ্য কেন্দ্রের সৌন্দর্যকরণের জন্য কোটি কোটি টাকা ব্যয় করছে। এর অন্তর্গত নিয়োজিত শ্রমিকরা তাদের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কাজ করছে। সুনীল জি বলে, ও বিল্ডিং তোড়কে লাগানে কে দিয়ে ইটা ও ইটা কাই কাই কে লাগা রহে হ্যায়, বাগান বানায়ে। एक एक चीज हम नहीं देखते हैं, ऐसा नहीं है। हमको ये बात चाहिए कि उसका आपको भवन निर्माण से तोड़ने का आदेश आपके पास है या नहीं। हम देखिए अपने हाथ से अपने ये से हम लोग लेटर रिसीव कराए हैं और वो लेटर अब वो करेक्ट करना था हमारे बैंक को, वो करेक्ट किए कि नहीं किए ये हमको क्लियर पता नहीं। देखिए आप नहीं, आदेश भवन निर्माण वाले देते हैं, भवन निर्माण वाले को हम लोग ये किए हैं, हम लोग इन्फॉर्म किए हैं वहाँ से ये करना करके ये खुद से करने के लिए। मतलब अभी आपके पास, अभी मेरे पास एनओसी नहीं है। अगर मेरा स्टाफ अगर कलेक्ट कर रहे होंगे तो ये भी नहीं जानते, क्योंकि कल पूरे दिन भर हम बाहर थे, मैंने डीसी मीटिंग में थे वैक्सीनेशन करने के बाद। तो अब कल का क्या है ये हमको नहीं पता है, और सारा कार्यक्रम एक एमओआई से ही देखे ऐसा नहीं है। तो हमारा काम जो बटा हुआ है वो सारा काम अभी देख रहे हैं सुनील जी। तो हो सकता है उनके पास हो या उनको कुछ, उनसे हमने बात किया तो उन्होंने इनकार किया, बोलता मैडम के पास। ठीक है, तो अभी मेरे पास नहीं है। আজ সরাইকেলা জেলার আদিত্যপুর নগর নিগমের দশম বোর্ড বৈঠক সম্পন্ন হয়। এই বৈঠকে 15তম বিত্ত আয়োগ এবং নগর বিকাশ বিভাগের অন্তর্গত নাগরিক অধিকার সুযোগ সুবিধা সম্পর্কিত প্রকল্প নিয়ে আলোচনা করা হয়। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, आधारभूत संरचना है, उसको डेवलप करने पर विचार किया गया। जैसे पार्क का निर्माण, बोर्ड से बहुत सारी योजनाएं इस टाइप की, सड़कों की मरम्मति, सड़कों का नया निर्माण, बहुत सारी योजनाएं बोर्ड में आज पारित किया गया। টাটা মোটরসের গেটের শ্রমিকরা টাটা মোটরস ইউনিয়নের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করে এবং বর্তমান টাটা মোটরস ইউনিয়ন বরখাস্ত করে ইউনিয়ন থেকে অসামাজিক লোকেদের বের করার এবং কোম্পানি থেকে বরখাস্ত শ্রমিকদের ফিরিয়ে আনার দাবিতে কোম্পানি ম্যানেজমেন্টকে একটি স্মারকলিপি জমা দিয়েছে। জামশেদপুরে আজ টাটা মোটরসের শ্রমিকরা তাদের নির্ধারিত সময়সূচি অনুসারে টাটা মোটরসের গেট অবরোধ করে। দুবেজি আর সেক্রেটারি মহামন্ত্রী প্রকাশ কুমার হ্যাঁ, इन लोगों ने ज्ञापन दिया है कि इनको ये चयन समिति से, मैंने ये मजदूर वर्कर्स यूनियन से हटा दिया गया है। जो मजदूरों के द्वारा इलेक्टेड यूनियन है उसको सभी लोगों को बर्खास्त कर दिया गया है, और टाटा मोटर्स प्रबंधन अपना नया एक यूनियन पॉकेट यूनियन बना करके, और सारा जो है एग्रीमेंट ग्रेड जो भी किया जा रहा है फॉल्स, जो बहुत मजदूरों के लिए नुकसानदायक है, जिसके चलते हम लोग आज पूरे परेशान हैं। यूनियन को बचाने के लिए हम लोग लगे हुए हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सब जगह दौड़ रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि इसको क्लियर किया जाए प्रबंधन से, और जो पॉकेट यूनियन है उसको हटाकर मजदूरों द्वारा बनाया हुआ यूनियन को स्थापित किया जाए। জামশেদপুর শহরে আজকাল সাধারণ মানুষকে সমস্যার মুখোমুখি হতে হচ্ছে, যেখানে জামশেদপুর অফিস এবং ট্রাফিক পুলিশ রাজস্ব আদায়ের জন্য লেগে রয়েছে। যেখানে জামশেদপুর শহরের বিভিন্ন বাজার ও এলাকায় রাস্তায় পার্কিং ব্যবস্থার মাধ্যমে মানুষের কাছ থেকে রাজস্ব আদায় করা হচ্ছে। অন্যদিকে ট্রাফিক পুলিশ যারা রাস্তায় গাড়ি দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে জরিমানার নামে ওই বাহনগুলি থেকে রাজস্ব আদায় করা হচ্ছে। যাহা ভি ও পার্কিং কি আপনা অপশন করতি হ্যায়, উসকি সূচি কিয়া জেলা প্রশাসন কে পাস নাহি হ্যায়। और जिला प्रशासन को भी देखना चाहिए कि जहाँ जाम और ये लग रहा है तो वहाँ जाके जाम हटाए, ना कि वहाँ पे तुगलकी फरमान जारी कर दे कि हाँ आप रोड में खड़े हैं इसलिए काट दिया। तो ये तो जबरदस्ती का विवाद खड़ा करना हुआ। हम लोग तो इसको देख रहे हैं, इस पर तो हम लोग बिल्कुल आंदोलन करेंगे। अभी हम लोग जेएनएससी को घेरेंगे, उसमें पब्लिक क्या गलती है। यहाँ पर पार्किंग का बोर्ड ऑलरेडी लगा हुआ था, 10 रुपया टू व्हीलर और फोर व्हीलर का 20 रुपया। तो यहाँ पर हम गाड़ी लगा के, पार्किंग वाला लड़का यहाँ पर उस टाइम मौजूद था, हम लगा के गए। उसके बाद डीएसपी साहब आए, साहब मेरा 500 रुपये का चलान काट दिए, बोले चलान इसको भरना होगा। जब तक डीएसपी साहब आते तक का पार्किंग वाला लड़का रसीद लेके भाग गया। नहीं फाइन बोले कि इसको आपको भरना ही होगा, हम बोले नहीं भरेंगे, तो बोला नहीं इसको भरना ही होगा, नहीं तो फिर आपको कोर्ट में जाके अपना कागज डॉक्यूमेंट जमा करना, केस करा जाएगा। बोला आप लगाइए गाड़ी, पार्किंग दीजिए। इन्होंने 20 रुपया पार्किंग का पे किया, इसके बाद डीएसपी साहब ने इनका चलान काट दिया। क्यों? फिर उन्होंने पूछने, अभी आप चलान क्यों काट रहे हैं जब पार्किंग का बोर्ड लगा हुआ है? तो बोला ये कोई पार्किंग नहीं है, नो पार्किंग जो है, हम तो रसीद काटेंगे। जेएनएससी ने वो जो नो पार्किंग का बोर्ड लगा रखा है,
उसमें हर एरिया में कुछ कुछ जो उनके कॉन्ट्रैक्टर हैं उनको पार्किंग के लिए प्लेस दिया हुआ है। अग्रवाल बुक डिपो के पास एक पार्किंग भी लगा था, नो पार्किंग भी लगा था, तो वो जेनेसी की गलती नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्टर कोई ओझा है, उसके वेंडर हैं, उनकी गलती है। मैंने जेनेसी में और जो कॉन्ट्रैक्टर हैं उनको मैं बता दिया हूँ कि आपका अगर जहाँ पर नो पार्किंग है और आपने वहाँ पे गाड़ियों को लगवाया और मेरे द्वारा अगर पकड़ा गया दोबारा भविष्य में और आपने कार वालों का पर्ची काटा, तब मैं कार वाले को विटनेस बना के कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर मैं FIR कर दूंगा। জামশেদপুর জিএসটি সদর দপ্তরের সিংহম চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির পাশাপাশি কয়েক ডজন ব্যবসায়ী সংগঠন জিএসটি আইনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে এবং জিএসটি কমিশনের কাছে একটি দাবিপত্র জমা করে। এবং জিএসটি কে অন্দর মে জো বিসঙ্গতিয়া হ্যায় জো সরকার নে আবি লাগু কিয়ে রিসেন্টলি ভি অর পহলে সে ভি চলি আ রহি জিসকে বারে মে হামারা সিংহম চেম্বার অফ কমার্স এবং অন্য সংগঠন নে ইসকি বাত ইসকি মাঙ্গ বার বার অল ইন্ডিয়া বেসিস পে ইসকো दोहराई जा रही है कि साहब इसको करेक्शन कीजिए, इसको ठीक कीजिए, जिससे कि व्यापारी लोग परेशान हो रहे हैं, तकलीफ पा रहे हैं, और लेकिन सरकार इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रही है। फिर हो सकता है इसके बाद हम लोग और उग्र रूप में इसके ऊपर भी कुछ करेंगे, बड़े रूप में इसको प्रदर्शन करेंगे, देश व्यापी जो कोर कमेटी है वो डिसाइड करेगी। জামশেদপুরে হোমগার্ড জওয়ানরা জেলার পুলিশ সুপারের সাথে দেখা করে একটি দাবিপত্র জমা দিয়েছেন, যাতে তারা জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে দল গঠন করে এবং নিরপেক্ষ নির্বাচন পরিচালনার দাবি করেছেন। ওর লোক চালায়, লেকিন সময় কে অনুরূপ ব্যবস্থা মে বদলাব হোনা চাহিয়ে। হাম লোগো কি মাঙ্গ হ্যায় অর এক বৈঠক কি থি 11 নভেম্বর 8-11 কো, জিসমে নিষ্পক্ষ ঢঙ্গ সে সব জওয়ানো কা সহমতি হুয়া অর ইয়ে নির্ণয় হুয়া উস বৈঠক মে कि जिला में प्रशासनिक देखरेख में चुनाव संपन्न होना चाहिए, इसी मुद्दा को लेकर आज हम लोग उपायुक्त महोदय के यहाँ एक ज्ञापन। রাজধানী রাঁচিতে স্মার্ট সিটির জন্য প্রস্তাবিত 656 একর জমিতে স্কুল, হসপিটালিটি, আবাসিক ও বাণিজ্যিক প্লটের জন্য 52টি বড় প্রকল্পে বিনিয়োগের জন্য জামশেদপুরের XLRI সভাগারে ইনভেস্টর সামিটের আয়োজন করা হয়, যার মধ্যে কলহানের 3টি জেলার উদ্যোক্তারা অংশ নিয়েছিলেন। অনুষ্ঠানে জেলা প্রশাসক, DDC, SDO সহ সকল প্রশাসনিক কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন। লগভগ 1.5 লাখ লোকের सुविधाएं जो है वो विकसित की जा रही है, इसमें 80,000 लोग जो है वो आवासीय रूप से और 70,000 लोग जो है वो कम्यूट करेंगे। इनको लेकर के झारखंड सरकार और केंद्र सरकार के संयुक्त प्रयास से यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का कार्य अंतिम चरण पे है। यहाँ पे विश्व स्तरीय सुविधाएं, चाहे वो पेयजल की सुविधा हो, विद्युत की सुविधा हो, या इंटीग्रेटेड रोड फैसिलिटीज जिसमें पाथवेज एवं साइकिल ट्रैक के साथ साथ BRT एवं सार्वजनिक परिवहनों के लिए सुविधा, स्टॉर्म ड्रेन, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट और 37% एरिया जो है वो ओपन और ग्रीन स्पेस के रूप में रखा गया है। इन तमाम स्टेट ऑफ द आर्ट जो है वो फैसिलिटीज एवं विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त रांची स्मार्ट सिटी जो है वो बन करके तैयार हो रही है। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ফাউন্ডেশন সরাইকেলা খাসাওয়া জেলা দ্বারা সরাইকেলা পরিষদন পরিসরে জেলা স্তরের কর্মসূচির উদ্বোধন করেন প্রধান অতিথি মহিলা শাখার প্রদেশ অধ্যক্ষ শ্রীমতী সুচেতা সিং। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্বে ছিলেন জেলা সভাপতি মনোজ কুমার চৌধুরী এবং তিনি তার বক্তব্যে বলেন, ভারতকে শক্তিশালী ও আত্মনির্ভর তৈরি করার জন্য অবিলম্বে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ আইনকে বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয়তার এবং এর জন্য একটি প্রচার অভিযান চালানোর জন্য বলেছেন। कि देश हित में 2 बच्चों का कानून हो, तीसरे बच्चे पर सरकारी सुविधा से उसे वंचित किया जाए और चौथे बच्चे पर सशक्त कारावास की सजा हो, ऐसा कठोर दंड बनकर आए और देश के तमाम नागरिकों के ऊपर समान रूप से लागू हो। এই বছর বঙ্গীয় বিধানসভা নির্বাচন হওয়ার কথা রয়েছে। বৃহস্পতিবার ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চা ঝাড়গ্রামে একটি নির্বাচন সভার আয়োজন করে। শুক্রবার দলের সাধারণ সম্পাদক সুপ্রিয় ভট্টাচার্য জামশেদপুরে পৌঁছান, যেখানে তিনি বাংলা নির্বাচনের আগে সহিংসতার পিছনে সরাসরি BJP দায়ী করেছেন। কালকে ঝাড়গ্রামে সভা করলে তুরন্ত কলকাতা মে হিন্দি বাংলা ভাষী লোক उनका एक सम्मेलन था तृणमूल के भवन में, उसमें बहुत गुस्सा हुआ। वो बोली कि हमने हेमंत सोरेन जी को मदद करके यहाँ पर सरकार बनाई,
बीवी शायद भूल गई थी विगत लोकसभा चुनाव में। मैं आज यहाँ पर हूँ इसी जमशेदपुर में। चंपईदा के खिलाफ उनका जो सिटिंग एमएलए श्रीकांत कुमार, उनकी पत्नी ने तृणमूल के चुनाव चिन्ह पर यहाँ पर चुनाव लड़ने का काम। दुमका में गुरुजी के खिलाफ भी तृणमूल ने चुनाव लड़ने का काम किया। तृणमूल हमेशा से चुनाव लड़ते हैं और हम लोग इसका बुरा भी नहीं मानते, क्योंकि एक राजनीतिक दल को यह अधिकार है कि वो किस राज्य में जाकर किस मुद्दों पर, क्योंकि जनमुद्दों के सरोकार के साथ सभी राजनीतिक दल उन पर अपनी बात को रखे, अपना समर्थन मांगे, ये कोई बुरी बात नहीं। लेकिन दीदी का तिलमिला जाना और इस प्रकार आदिवासी मूलवासियों के बारे में उनका कहना कि तुम लोग को हम खाना दिए हैं, तुम लोग को हम पहनने को दिए हैं, तुम लोग को हम शिक्षा दिए हैं, तुम लोग को धामशा और मादोल दिए। अरे कोई राज्य सरकार किसी को यदि राशन देती है या शिक्षा देती है तो ये तो नागरिक का एक मौलिक अधिकार है, ये एहसान थोड़ी है। आज झारखंड हिंदी साहित्य सांस्कृतिक मंचर अंतर्गत विष्णुपुर स्थित होटेल बुलेवार्डे उत्कृष्ट साहित्य सेवा सम्मान आयोजन करा है, जेखने लेखिका अंकिता सिन्हा रचित करोनाकाल पुस्तकटर उद्बोधन सह कवि सम्मेलन अनुष्ठित है। এই অবসরে বিশিষ্ট কবিগণ সহ অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন। इतनी बेहाल है, इसी संवेदनाओं को मैंने इस पुस्तक में समेटा है।